हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सबसो न्यूज़। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सब टीवी के पॉपुलर शो मैडम सर के बारे में। सो सब टीवी का पॉपुलर शो मैडम सर होने जा रहा है रिमैप। सो जिन लोगों को रिमैप के बारे में नहीं पता, तो कोई भी शो अगर रिमैप होता है तो उसके स्टोरी में आप लोगों को काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता है, न्यू कैरेक्टर्स का एंट्री होता है। ऐसो के स्टोरी में भी आप लोगों को काफी ज्यादा टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो ऐसे ही सब टीवी का शो मैडम सर भी होने जा रहा है रिमैप। शो के स्टोरी में आप लोगों को काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा एंड रिमैप होने के बाद आप लोगों को शो में काफी ज्यादा न्यू कैरेक्टर्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को मैडम सर शो में शो रिमैप होने के बाद कुछ परमानेंट कैरेक्टर्स भी देखने को मिले, क्योंकि अब तक हमें शो में जितने भी मेन कैरेक्टर्स का एंट्री होते हुए दिखा है वो कोई ना कोई एपिसोड के बाद वापस चली जाते हैं। तो काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि रिमैप होने के बाद आप लोगों को शो में कोई परमानेंट कैरेक्टर देखने को मिले। एंड आपको पता ही है कि मेकर्स शो को रिमैप क्यों कर रहे हैं, कि वो और ज्यादा ऑडियंस को जो है शो की तरफ अट्रैक्ट कर सके एंड जितने भी लोग जो अभी मैडम सर को देख रहे हैं उनका शो को देखना और भी ज्यादा इंटरेस्ट बना रहे, वो जो है शो के एक भी ऑडियंस को लूज नहीं करना चाहते। सो वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि शो के स्टोरी में हमें क्या कुछ चेंजेस वगैरह देखने को मिलने वाला है, कौन से न्यू कैरेक्टर का एंट्री होने वाला है। आने वाले दिनों में आप लोगों को शो के रिगार्डिंग काफी ज्यादा न्यू प्रोमोज वगैरह देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप लोगों को डाउट है कि शो में अभी जो हमें जितने भी मेन कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे, क्या वो रिमैप होने के बाद कोई भी एक्टर शो को क्विट करेगा या नहीं, सो अभी हमें जो मेन कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे रिमैप के बाद भी वो मेन कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलने वाले, कोई भी शो को जो है क्विट नहीं कर रहा। सो मैडम सर शो फैंस के लिए काफी ज्यादा गुड न्यूज है कि शो रिमैप कर रहा है, क्योंकि जब शो रिमैप होता है तो हमें स्टोरी में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता है, न्यू ट्विस्ट देखने को मिलता है एंड काफी ज्यादा न्यू कैरेक्टर्स वगैरह भी देखने को मिलता है। सो अभी जो 10 बजे के टाइम स्लॉट पर ये शो 0.5 TRP लेके आ रहा है, सो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जब ये शो रिमैप होगा तो शो 0.8 के आसपास का TRP लेके आ पाएगा या नहीं, क्योंकि जब शो स्टार्ट हुआ था एंड कुछ महीने पहले तक शो का TRP 0.7-0.8 ऐसा आया करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो शो का TRP है वो 0.5 से बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा। अब इसके पीछे का रीजन पता, वैसे 10 बजे का टाइम स्लॉट में काफी ज्यादा कंपटीशन भी है, क्योंकि अनुपमा शो भी 10 ही बजे के टाइम स्लॉट पर आता है एंड और भी कई पॉपुलर शोज हमें 10 बजे के टाइम स्लॉट पर देखने को मिलता है। सो उम्मीद करते हैं कि जब शो रिमैप होगा उसके बाद हमें शो में काफी ज्यादा अच्छे चेंजेस वगैरह देखने को मिले एंड शो का TRP भी इंक्रीज हो। सो ये था वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सारे मैडम सर शो फैंस के साथ। इसी वीडियो के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आप सुनते अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।